नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव पुरा। आप मेरा चैनल रखे हैं जॉब तक। दोस्तों रेलवे की तरफ से दोस्तों एनटीपीसी के वैकेंसीज आ गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 11,558 पोस्ट आपका रहने वाली है और सैलरी आपको 35,000 तक रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के इन तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और अभी इसका जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। बहुत जल्द इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको फुल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। हालांकि शॉर्ट नोटिफिकेशन में भी बहुत सारी डिटेल्स आपको यहां पर मेंशन किया गया है। इस सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको एंड तक जरूर देखना है। तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से ये जो है नोटिस पब्लिश हुआ है और इसका जो नोटिस पब्लिश हुआ है दोस्तों आपका सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है। ठीक है, जब भी रेलवे की कोई वैकेंसी आता है तो पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आता है और ये शॉर्ट नोटिफिकेशन दोस्तों आपका सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट जो है न्यूज़पेपर ही नोटिस जारी करता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो सीएन नंबर 05/2024 और 06/2024। ठीक है, और इसमें जो रिक्वायरमेंट रहेगी दोस्तों आपका रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी की पोस्ट रहेगा, जिसमें आपका ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपका रहने वाली है। और इसका जो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये जो फॉर्म है दोस्तों आपका कब से स्टार्ट होगा, यहाँ पर डेट दे सकते हो 14 सितंबर से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा। ठीक है, और लास्ट डेट इसका कब है, 13 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्लोजिंग जो है 13 अक्टूबर है और फॉर्म आपका 14 सितंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर पोस्ट जो निकाला गया दोस्तों, यहाँ पर बहुत तरह की पोस्ट है, सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपका अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह, एज वगैरह, एज तो आपका सबका सेम ही है और पे स्किल्स का आपका अलग अलग रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की। ठीक है, तो उनका जो पे लेवल रहेगा 7 CPC 6 रहेगा, जिसमें आपका 35,400 से स्टार्टिंग रहेगा और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो B2 रहेगा। ठीक है, एज की बात करें तो देखिए, एज की जो गणना होगा आपका 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 36 साल होना चाहिए। साथ ही एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, आपका इसमें जो है टिकट सुपरवाइजर का 1,736 सीट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद स्टेशन मास्टर के लिए इसमें अब आपका 35,400 सैलरी रहेगा और मेडिकल स्टैंडर्ड A2 रहेगा और एज आपका सभी का सेम है और इसमें 994 पोस्ट आपका रखा गया है। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए यहाँ पर जो सैलरी रहेगा 29,200 रहेगा और 18 से लेकर 36 तक एज है, 3,144 सीट आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए रहेगी। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर जो है 1,507 सीट है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर दोस्तों 732 सीट है। इस तरह से यहाँ पर टोटल है 8,113 सीट। ठीक है, उसके बाद और भी सीट है और यहाँ पर देखें दोस्तों, आपको 3 साल का एज का रिलैक्सेशन आपको दिया गया है COVID-19 के कारण। ठीक है, पेंडेमिक जो हुआ था उसके कारण। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए और एक वैकेंसी, सॉरी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, ये तो आपका ग्रेजुएट पोस्ट के लिए था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अनग्रेजुएट पोस्ट के लिए, जिसका फॉर्म दोस्तों आपको 21 सितंबर से स्टार्ट होगा और 20 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोनों का अलग अलग डेट दिया दोस्तों। ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर है 14 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट होगा और 13 अक्टूबर तक इसका लास्ट फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। और यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो इसका जो फॉर्म है आपका 21 सितंबर से स्टार्ट होगा और 20 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कमर्शियल कम टाइपिस्ट क्लर्क के लिए यहाँ पर जो है सैलरी जो रहेगा 21,700 रहेगा, जिसमें 18 से लेकर 33 साल तक एज रखा गया है, मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 33 साल होना चाहिए। साथ ही एज का रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज मिलेगा और 1/1/2025 के आधार पर एज की काउंटिंग होगा। और यहाँ पर जो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 2,022 सीट है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर 361 सीट है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर 990 सीट है और ट्रेन क्लर्क के लिए यहाँ पर 72 सीट है। इस तरह से टोटल यहाँ पर देखिए 8,113 सीट है और 3,445, इस तरह से आप टोटल अगर काउंट करेंगे तो 11,558 के अप्रोक्स में होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ टोटल आपका 11,500 के आसपास सीट है, काफ़ी अच्छा सीट है।
और देखिए यहाँ पर एज वगैरह के, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एज की काउंटिंग आपका 1 जनवरी 2025 के आधार पर होगी, ठीक है। और जिसका नोटिफिकेशन यहाँ 05/2024 और 06/2024 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और मेडिकल फिटनेस भी आपको इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। वेरियस स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यहाँ जैसे विजन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो आपका I 6x6 6x9 है, 6x9 विदाउट ग्लास वगैरह है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यह मेडिकल स्टैंडर्ड दिया है कि A2 में क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा, विजन स्टैंडर्ड या A3 में क्या रहेगा, ये सारा फिजिकल स्टैंडर्ड दिया है, आप अच्छा से एक बार इनको रीड कर सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन फी वगैरह की बात करें तो जैसे आपको पता होगा दोस्तों, 500 रुपये फी है जनरल OBC और EWS के लिए, बाकी SST हैं तो आपको 250 रुपये है, बाकी रिफंड भी हो जाता है पैसा, ठीक है। जैसे OBC वगैरह के लिए 400 रिफंड होता है, और SST के लिए दोस्तों आपको पूरा रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने का एप्लीकेशन चार्ज वगैरह दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर इसका वेबसाइट दिया है दोस्तों RRV की, तो जिस जॉब से आप सेलेक्ट करेंगे, जहाँ से आप फॉर्म भरेंगे, उनका अलग अलग वेबसाइट दिया गया, ठीक है। जैसे अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, इस तरह से आपका वेबसाइट जो है अलग अलग जॉन है, और अलग अलग जॉन के अलग अलग वेबसाइट्स होती है, तो जब आप जिस जॉब में सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार आप वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिटेल दिया दोस्तों, तो आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखे हैं किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए। तो ये अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन है, जैसी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह में फुल नोटिफिकेशन आएगा मैं एक और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि आप यहां से डेट भी दे सकते हो, 14 से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा, तो 14 से पहले आई थिंक फुल नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।